एवरग्रीन एमसीक्यूज की सीरीज में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर के ऊपर एमसीक्यूज पार्ट टू। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो इससे रिलेटेड आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है या इसके जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, या फिर इसके टूरिज्म सेक्टर से आप अलग प्रकार के क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो ये वीडियो जो पर्टिकुलरली जे एंड के स्टेट में जे के एस एस बी या फिर और एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन एक आधा कम होगा, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बहुत अधिक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज फंक्शनिंग एज अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर हंगल इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है या केंद्र प्रशासित प्रदेश में है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, या फिर नागालैंड में है? तो इसका आंसर देखते हैं, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। द त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल फंक्शन एज अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर द एंडेंजर्ड क्रिटिकल सॉरी कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग जिसका एक और नाम है जिसको हम हंगल कहते हैं। द सेंचुरी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 154.15 स्क्वेयर किलोमीटर। इट फॉल्स इन द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको जब आप किसी भी जम्मू और कश्मीर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ये तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये जे एंड के में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। तो ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है एंड हैज कम इन टू बींग बाई मर्जिंग चांगेड़ पनियार शिकारगढ़ एंड खीरम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व एंड फ्यू अदर कंपार्टमेंट्स ऑफ अवंतीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन। तो ये दो एक आधा जो कंजर्वेशन रिजर्व था और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन दोनों तीनों को मिलाकर तो इसको तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है। इट इज नोन फॉर इट्स मैग्निफिशेंट एंटलर्स विच कैन हैव 11 to 16 points। एंटलर्स के लिए भी ये मशहूर है। हेंगल इज द ओनली सर्वाइविंग एशियाटिक सब स्पीसीज ऑफ द यूरोपियन रेड डियर फैमिली। तो हेंगुल देकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से डियर की फैमिली से है, तो ये रेड डियर फैमिली से है। और लेकिन ये जो हेंगुल या कश्मीर स्टैग है ये आपको कश्मीर के साथ जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की उसमें भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ विच ऑफ द नेशनल पार्क इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिटरली स्टैंड फॉर 10 villages। कि 10 गांवों के नाम से, 10 villages के नाम से हम कौन सी नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसको हम जानते हैं? सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, नन ऑफ दीस। तो आंसर देखते हैं, आंसर है इसका नन ऑफ दीस, क्योंकि ये जो 10 villages की नेशनल पार्क जिसको हम मानते हैं ये है डच्चीगाम नेशनल पार्क। ये 22 किलोमीटर इज अवे, 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ श्रीनगर लिटरली स्टैंड फॉर 10 villages। और ऐसा ये माना जाता है कि ये 10 विलेज हटाए गए थे जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। द पार्क हैज बीन अ प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910, फर्स्ट अंडर द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1981। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो आ जाएगा आपका डच्चीगाम नेशनल पार्क। लेकिन इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा है ये 1981 में दिया गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रजौरी में, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है अनंतनाग। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, 85 किलोमीटर साउथ ऑफ श्रीनगर। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 20 किलोमीटर स्केयर। दिस एरिया वॉज प्रोटेक्टेड एज अ रिजर्व फॉर हंगुल ड्यूरिंग द महाराजाज पीरियड प्रायर टू 1948। तो जो 1948 के आसपास इसको प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया था, इन 1981 इट वॉज अपग्रेडेड टू द राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का
दर्जा कब दिया गया, ये 1981 है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, डच्चीगांव नेशनल पार्क। तो देखते हैं आंसर, इसका आंसर है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क फॉर्मरली नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको बता दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि नेशनल सलीम अली नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। द पार्क वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1992। तो जो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो नेशनल पार्क्स हैं जे एंड के में वो सिर्फ चार हैं, तो इतनी कम होने के कारण इनके इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द रिनोन्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो बर्ड्स की स्टडी करता है, अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद बर्ड्स एंड नेचुरलिस्ट मिस्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। तो मिस्टर सलीम अली के नाम से इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क को सलीम अली नेशनल पार्क भी जाना जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीनाग नेशनल पार्क लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काजीनाग नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, राजौरी में है, बांडीपोरा में है, बारामूला में है या कुलगांव में है। तो सॉरी, इसका आंसर पहले ही बता दिया, ये बारामूला में है। तो काजीनाग और काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। द नेशनल पार्क वॉज क्रिएटेड आफ्टर द कारगिल वार। तो इसका जो नेशनल पार्क बनाने का दर्जा है ये लगभग 2000 के आसपास दिया गया है। द नेशनल पार्क वॉज क्रिएटेड आफ्टर द कारगिल वार एंड बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग प्रेशर टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एंड रेयर मारखोर वाइल्ड लाइफ गोट। तो ये मारखोर जो वाइल्ड गोट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए पर्टिकुलरली ये काजीनाग नेशनल पार्क की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। द पार्क इज मेड आउट ऑफ द लिम्बर एंड लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तीन चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पार्ट काजीनाग नेशनल पार्क का नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है टोटल 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आपको क्या करना है, आपको ये नोट डाउन करनी है और हर एक का डिस्ट्रिक्ट, कम से कम आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि यो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी। तो देखते हैं, फर्स्ट वाली बालटल थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बारामूला में है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बारामूला में है। हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये शोपाइया में है। हॉकेर सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीनगर में है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में है। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में। राजपरियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में, इसका दूसरा नाम दक्षिण है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का, उधमपुर, सांबा और जम्मू, जिनका ट्राइपार्टाइट इनका मिलन होता है, तीनों डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मिलती हैं, तो वहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये आपसे डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे आपको तीनों, और पूछा जाएगा कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और एक ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी होगा, तो उसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रियासी में है। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में है। ये अभी 2019 में ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ऑलमाइटी गाइडेंस को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।